अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सिकंदर, आप देख रहे हैं स्पोर्ट विजन ऑफिशियल टी। नाज़रीन, T20 वर्ल्ड कप के बाद एक और वर्ल्ड कप होना है जिसका नाम है फीफा वर्ल्ड कप, यानी फुटबॉल का भी वर्ल्ड कप होना है कतार में 2022 में ही, जिसकी टोटल मेरे ख्याल से इस टाइम 48 या 47 दिन रहते हैं उस वर्ल्ड कप को। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ आपके साथ एक ऐसी वीडियो शेयर करूँ जिसमें आपको पता हो कि अभी तक टोटल कितने वर्ल्ड कप हुए हैं और कौन सी टीमों ने वो वर्ल्ड कप जीते हैं, कौन सी ईयर में वर्ल्ड कप हुए हैं, सारी डिटेल इस वीडियो में दूंगा। तो स्टार्ट लेते हैं। तो पहले जो वर्ल्ड कप हुआ है वो 1930 में हुआ है, जो कि विनर टीम उसकी है वो है यूरोगाय। दूसरा वर्ल्ड कप 1934 में हुआ है, इटली उसकी विनर टीम है। तीसरा वर्ल्ड कप 1938 में हुआ, उसकी भी विनर टीम इटली है। 1950 में एक वर्ल्ड कप फिर हुआ, यूरोगाय ने विन किया। 1954 में जर्मनी ने विन किया, 1958 में और 1962 में ब्राज़ील ने विन किया। 1966 में इंग्लैंड ने विन किया, 1970 में ब्राज़ील ने दोबारा विन किया, 1974 में जर्मनी विनर टीम रही, 1978 में अर्जेंटीना, 1982 में इटली, 1986 में अर्जेंटीना दोबारा, 1990 में एक दफा फिर जर्मनी सामने आई, 1994 में ब्राज़ील फिर सामने आई, 1998 में फ्रांस ने विन किया, जबकि 2002 में एक बार फिर ब्राज़ील ने विन किया। इसके बाद इटली भी पीछे नहीं रहा और 2006 में फीफा का वर्ल्ड कप विन किया। 2010 में स्पेन ने अपने नाम किया फीफा वर्ल्ड कप का जो टाइटल है। 2014 में जर्मनी ने एक दफ़ा फिर विन किया और 2018 में फ्रांस ने एक दफ़ा फिर वर्ल्ड कप अपने नाम किया। तो ये टोटल लाइनअप थी जो कि वर्ल्ड कप के हवाले से है। कौन सी टीम्स ने सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप जीते हैं वो भी मैं आपको बताता चलूँ। वो टीम है ब्राज़ील की, जिन्होंने अब तक 5 वर्ल्ड कप जीते हैं। देखना ये होगा कि 2022 का फीफा का वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीतती है, आपके ख्याल से कौन सी टीम विन करेगी फीफा वर्ल्ड कप 2022। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और अपनी टीम को सपोर्ट करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। फिलहाल मैं आप सबसे चाहता हूँ इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।